देखो इसकी चप्पल का हाल देखो, कीचड़ में खड़े होके फोटो शूट चल रहा है इनका। Hey guys, welcome to my channel. So guys, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी वीडियो के लिए, रील्स के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। फर्स्ट मैं स्कर्ट का बताती हूँ आपको, मैंने स्कर्ट कैसे खरीदा। तो गाइज क्या हुआ था कि स्कर्ट मैंने 3-4 जगह देखा, फोटोज दिखाए शॉपकीपर्स को, बट मुझे वो वैसा सेम टू सेम स्कर्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था कि मैंने क्या करा, वो जो स्कर्ट था उसको मैंने बनवा लिया, सेम टू सेम फोटो दिखाया और बिल्कुल वैसा वैसा बनवा लिया। लेकिन आता है ब्लाउज। ब्लाउज के लिए मैंने क्या करा, दो ब्लाउज बाय करे और उस पर जो ऊपर जो डिज़ाइन थी ब्लाउज के ऊपर उसकी जगह मैंने अपना कमरबंद लिया, जो हम नवरात्रि में पहनते हैं डांडिया जब करते हैं, तो जो ज्वेलरी होती है उसका जो डिज़ाइन था कुछ वैसे ही था, वो पूरा ऐसा डिज़ाइन बन गया और वो मैंने जो कमरबंद था उसको अटैच कर लिया। वो ज्वेलरी इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लगा था वही ब्लाउज हो। थर्ड दुपट्टा। दुपट्टे के लिए मैंने क्या करा, दो दुपट्टे वैसे के वैसे मैंने फोटो दिखा दिया भैया को शॉपकीपर वाले, और उन्होंने मुझे सेम टू सेम वैसे दुपट्टे दे दिए। सो गाइज मुझे वो भी मिल गया। बट गाइज मुझे इन सब के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगी, कम से कम मैं 12 बजे गई थी और मैं शाम को 6 बजे आई हूँ ये सब चीज़ों के लिए। वो आता है कमरबंद, और कमरबंद खरीदना बहुत टफ था क्योंकि कमरबंद वहाँ पर नहीं मिल रहा था। पूरे मार्केट में मैंने देख लिया, कमरबंद नहीं मिल रहा था क्योंकि कमरबंद था बिल्कुल कलरफुल और कोरियो वाला। सो गाइज मैंने फिर सोचा मुझे कमरबंद नहीं मिल रहा है और मेरा लुक पूरा खराब हो जाएगा। आज सारी शॉप पर तो मैंने पूछ लिया है, अभी एक लास्ट शॉप है इस पर भी पूछ लेती हूँ। सो गाइज जैसे ही मैं शॉप पर गई और मैंने पूछा कि वैसा कमरबंद है क्या, तो भैया ने बोला कि हाँ है मेरे पास। सो गाइज उस टाइम इतना खुश हो गई थी कि मेरा लुक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद गाइज मुझे वो पूरा लुक जैसा मैं चाहती थी वैसा का वैसा, पूरी ज्वेलरीज ड्रेसेस सब। तो गाइज अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कैसे शूट करा, लोकेशन क्या थी, बिहाइंड द सीन्स हैं। तो गाइज आप वाली वीडियोस भी देखना, और प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट में बताना कि मैं ऐसे ब्लॉग्स और बनाऊं कि नहीं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना और मेरी ये वाली लुक की वीडियोस देखना, पोस्ट देखना और बहुत सारा प्यार देना। गाइज मैं आ चुकी हूँ लोकेशन पे और मैं लोकेशन आपको बताती हूँ। बाय द वे हाउ इज माय लुक, ये मेरा लुक है और मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। सी ये लोकेशन है। सो गाइज मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं कुछ खाने आई हूँ, शूट में थोड़ा टाइम था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या खाऊँगी। तो मुझे भूख लग रही थी और मैं खा रही हूँ सैंडविच। गाइज ये हमारी लोकेशन है, उनका शूट चल रहा है और ये पलाश फोटोग्राफर है और ये सोनल, इसको बता दो ये कैसी लग रही है। और लोकेशन देखो, कीचड़ में खड़े होके फोटो शूट चल रहा है इनका। हेलो गाइस आई एम सन्नी। हेलो गाइस आई एम सन्नी लियोनी। देखो जरा मेरे इसका हाल, देखो इसकी चप्पल का हाल देखो, ऐसे ही ऐसे ही इसका थोड़ी देर बाद हो सकता है इसके चेहरे का कपड़े का भी ऐसे ही हाल रहे। ये हमारी सोनल। गाइस मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, ये देखो ऐसा है। आई होप आपको अपन बैलेंस मिल जाएगा। तो गाइस मैंने अपनी माथा पट्टी हटा ली है, माथा पट्टी हटा ली है मेरी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। और अब जैसे कि मेरा मुझे सिर्फ एक वीडियो और बनानी है, बहुत टफ है, और उसके साथ वीडियो बनाना टू टफ, पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगी। गाइज हम वापस आ चुके हैं और ये हमारे फोटो शूट के साथ और वीडियो शूट के साथ और ये तैयारी चल रही है, और ये घोड़े के साथ भी हम आ चुके हैं, और ये भैया हैं जो हमारे ये खड़े हुए हैं घोड़े को लेके, और अब हम शूट करेंगे घोड़े के साथ, जो घोड़े पे बैठ चुकी है और इसको बहुत डर लग रहा है। और करना है हमको सोनल को भी शूट के इसमें डालना है। स्टार्ट अप। हो चुका है पैकअप। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। गाइस आपने देखा ही होगा कि वीडियो में कितनी मेहनत लगती है। हम आए थे 12 बजे और अभी करीबन 6 बज चुकी है, आई मीन 6 घंटे लगे हैं मुझे वीडियो बनाने में हम लोगों को। और आपकी मतलब वीडियो तो सिर्फ 15 सेकंड की होती है रील्स, और लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताया है कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।